प्राचीन काल में उग्रसेन नाम का एक राजा था जिसके दो बच्चे थे। कंस नाम का एक बेटा था और देवकी नाम की एक बेटी। देवकी नर्म और शांत स्वभाव की थी लेकिन कंस दुष्ट था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया और राजा की गद्दी खुद संभाली। जबकि उसकी बहन की शादी राजा वासुदेव से हुई। एक दिन कंस ने एक आकाशवाणी सुनी, तुम्हारी बहन का आठवां पुत्र बड़ा होने पर एक दिन तुम्हारी हत्या करेगा। इससे दुष्ट कंस डर के मारे अंदर तक हिल गया और वह अपनी बहन को मारना चाहता था। लेकिन वासुदेव ने देवकी को जिंदा रखने का आग्रह किया और कंस द्वारा देवकी के आठवें पुत्र को मारने के लिए सहमत हुए। कंस ने अपनी ही बहन और उसके पति को कैद कर लिया। दंपत्ति की आठवीं संतान भगवान कृष्ण थे जो कंस द्वारा उन्हें मारने के लिए किए गए सभी प्रयासों से बच गए और अंत में उन्होंने अपने दुष्ट मामा को परास्त कर दिया। सीख: यदि आप बुरे हैं और आपके बुरे इरादे हैं तो आपके अपने पापों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हमेशा हमेशा